वह केवल परमेश्वर को उनका विरोधी के रूप में देख रहे थे। मिस्र में पल भर की नींद उन्हें याद आ रही थी, मिस्र में पल भर के वो सुंदर कपड़े उनको याद आ रहे थे, मिस्र का वो भोजन जो आधा पेट उनको मिलता था उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, मिस्र की वो मार, मिस्र की वो निंदा उनको अच्छी लग रही थी, बजाय कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको प्रतिज्ञात किए हुए देश को देने जा रहा था। मगर वह बुड़बुड़ाने लगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके इस बुड़बुड़ाहट को सुन लिया, उनकी निंदा को सुना। एंड आवर गॉड वाज इन पेन इन हिज हार्ट। गिनती 14:11-12 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। प्रतिदिन परमेश्वर मनुष्य को जिंदा रखता है। मैंने कई बार इन बातों को बोला है कि रात में बिस्तर पर जाकर सोना यह परमेश्वर ने इंसानों के अधिकार में दिया है, मगर सुबह बिस्तर पर आंखें खोल देना यह परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। इतना बड़ा चमत्कार मिस्र में इसराइली देख नहीं पाए। प्रतिदिन उनको जिंदा रखने वाला, उनके शरीर को स्वस्थ रखने वाला, उन्हें दुख और मुसीबत से बचाकर जंगल के मार्ग से ले जाने वाला, बादल के खंभे के रूप में, आग के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई करने वाला उनको अपना विरोधी नजर आया। दुख इस बात का था कि जब पानी मांगते थे तो पानी मिलता था मगर थोड़ा देरी से, सिर्फ इस बात के लिए कि जहां कड़वा पानी मिला तो उसे तुरंत मीठा क्यों नहीं कर दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि हमें मांस क्यों नहीं खिला दिया। संसारिक भोजन, वस्तु के लिए, कपड़े, मकान, जमीन, जायदाद, कारों, गाड़ियों के लिए परमेश्वर का त्याग कर रहे हैं लोग। और इजरायली लोग इन्हीं संसारिक वस्तुओं को पाने के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ धोखा दे रहे थे।